1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रताप नगर स्थित मकान में लगी आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आज प्रताप नगर स्थित एक मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जहां पर उन्होंने बताया कि फूलन सिंह नामक व्यक्ति के घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया और इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। प्रताप नगर या अपने धोलावाटा नगर पे मकान में आग लग रही है। हमको वहाँ सूचना प्राप्त होते हैं, हम गाड़ी द्वारा स्टाफ लेकर रवाना हुए। वहाँ पे आग का पूर्ण रूप से काबू की गई और कोई जनहानि व कोई नुकसान नहीं है। किसका मकान था कहाँ पे? सर, ये मकान है, हम नाम बताते हैं। सर, ये मकान है अपने पूनन सिंह जी, हम पाँचू राम जी का। किस जगह है मकान? ये गलियों में है सर, अंदर की तरफ है, तीसरी मंजिल में मकान में थी। गाड़ी आने से पहले आग पे काबू पा लिया था? काबू तो पा लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत स्टाफ ने भी करा था। मालूम पड़ा कैसे आग लगी? सर, इसका तो अवगत नहीं कराया उन्होंने। मेरा नाम त्रिलोक सिंह, फायरमैन है सर। भाजियों में खाद्य सामग्री के साथ वितरित की मोमबत्ती। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज लोग 9:09 तक जलाएंगे मोमबत्ती और दिए। सहयोग आपका संस्थान द्वारा भगवानगंज में एक से एक जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का और मोमबत्ती का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर वितरण किया गया। खाद्य सामग्री में आटा, चावल, चाय की पत्ती, आलू, प्याज, तेल, नमक और टोस्ट का वितरण किया गया। ये संस्था इस उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोग, जो कि दैनिक दिहाड़ी कमा के अपना जीवन यापन करते हैं, इस कोरोना की विकट स्थिति में भूखा न सोए। सूखा सामान इसलिए ही वितरण किया जा रहा है कि जिससे ये लोग घरों के बाहर न निकलें और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इस कार्यक्रम के सहयोग में हेमंत नायक, अजीत चौधरी, विनित कृष्ण पारिक, जितेंद्र पंवार, श्याम कृष्ण पारिक, अकी वातवानी ने सर्वप्रथम चूने का घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और लोगों के हाथों को सैनिटाइज कर मास्क उपलब्ध कराए और फिर ये खाद्य सामग्री और मोमबत्ती का वितरण कर अपील की गई कि वे अपने घरों से बाहर न निकले। आज सहयोग आपका संस्थान के द्वारा भगवानगंज में अविनाश महेश्वरी स्कूल के पास खाद्य सामग्री और मोमबत्ती का वितरण किया गया है। जैसा कि आज आपको ध्यान है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 9:09 हमारे को मोमबत्ती जलानी है 9 मिनट तक के लिए, तो हम लोगों ने इनके साथ भोजन खाद्य सामग्री के साथ मोमबत्ती का वितरण भी किया गया है। और हमारे सूखा सामान वितरण करने का आज जो मुख्य कारण है वो ये है कि जिससे कि हम कोरोना पे जीत पा सकें। अगर इनको 10 दिन का भोजन सामग्री मिल जाएगी तो ये लोग 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे और जो कोरोना की जो चेन है एक से दूसरे मिलने की वो टूट जाएगी, और वो टूट जाएगी तो हम इस देश पे जीत पा सकते हैं। ये देश आज जो कोरोना से भिड़ रहा है तो उस कोरोना को हराने के लिए हम लोग इस देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और जो भी व्यवस्था, जो भी सहयोग हम लोगों से हो पाएगा, हम पूरे धन और मन से इसके कार्यक्रम में लगे हुए हैं और हर वार्ड में जाकर हम हमारी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये काम सफल हो सके और जो दैनिक दाढ़ी पे जो सेवक काम करते हैं उन लोगों को भोजन व्यवस्था कराई जा सके, जिससे कि वो किसी भी तरीके से भूखे नहीं रह पाए। भोजन वितरित करने वाली टीम की हुई स्क्रीनिंग। मेडिकल टीम द्वारा डोर टू डोर किया जा रहा है सर्वे। कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान में लॉकडाउन हुआ है, ऐसे में प्रशासन और कई सामाजिक संस्थाएं गरीबों तक बना बनाया भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन आज जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार मेडिकल की टीम डोर टू डोर सर्वे करने पहुंची और ये जानकारी लेने पहुंची कि जो लोग भोजन बना रहे हैं या जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कहीं वह संदिग्ध तो नहीं है या फिर उनकी तबीयत खराब तो नहीं है। अगर ऐसे में कोई कर्मचारी मिलता है तो उसे तुरंत आइसोलेट करने के निर्देश है, इसलिए आज टीम ने डोर टू डोर सर्वे किया। अभी इस कोरोना कोविड के तहत जो भी एरिया कर्फ्यू लगा हुआ है तो उसकी वजह से जो खाद्य सामग्री की समस्या आ रही है और जो खाने जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उनके लिए जो लोग जितने भी चैरिटी वाले हैं या जो लोग सरकारी की तरफ से जो खाना बांटा जा रहा है उसका जिला प्रशासन द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि उसमें जो क्वालिटी है खाने की वो सही जा रही है या नहीं जा रही है, खाने की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वहाँ जो खाना तैयार किया जा रहा है वहाँ की सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन अच्छी है कि नहीं, वहाँ की ख़राब तो नहीं है, और जो वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वो कहीं संदिग्ध नहीं हो, संक्रमित नहीं हो,
उनकी पहचान करने के लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ खाना तैयार किया जा रहा है उस लिस्ट के हिसाब से हम वहाँ जाकर देख रहे हैं कितने वर्कर काम कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, कोई संक्रमित तो नहीं है, और उनको ये पाबंद किया जा रहा है कि बाई चांस किसी तरह के लक्षण दिखाई दे तुरंत वहाँ से उसको हटा दिया जाए। प्रेरणा स्रोत महिला टीम द्वारा भोजन में मास्क वितरित, लोगों से घरों में रहने की अपील। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के चलते समूचे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए महिला टीम भी आगे बढ़कर सेवा कार्यों को बीड़ा उठाई है। प्रेरणा फाउंडेशन की सचिव सुलक्षणा शर्मा, उषा शर्मा व लता शर्मा की 3 सदस्य टीम 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन अवधि में शहर के बलाड़ रोड पर साधो का बीड़िया, श्याम नगर चौहान कॉलोनी सहित शहर के मिशन ग्राउंड क्षेत्र के आसपास की कॉलोनियों में रह रहे असहाय परिवारों को भोजन के पैकेट में मास्क वितरित कर रही है। इस गंभीर महामारी से शहर में एकमात्र महिला टीम द्वारा निर्धन वर्ग व बेसहारा लोगों की सेवा कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया जा रहा है। सचिव सुलक्षणा शर्मा बात कर रही हूँ। हमारी संस्था विगत 2009 से संचालित है, जिसमें समाज सेवा का काम लगातार करती आ रही है और खास तौर से महिलाओं के लिए विशेष तौर से इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और अभी कोरोना संक्रमण के चलते हुए हमारी संस्था ने जो गरीब परिवारों के जो व्यक्ति हैं, जो रोज डेली काम करते हैं, वो व्यक्ति उनमें से कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये उद्देश्य लेकर के हमारी संस्था कार्य कर रही है। इसके तहत चलते हुए हम लगातार 150 से 200 पैकेट रोज बांट रहे हैं। अभी आज हम साधु के बाड़े में, साधु का बाड़िया है वहाँ पे बांट के आए बलाड़ रोड पे, और अमरीका बाड़िया में देकर के आए, अभी इधर मिशन ग्राउंड के यहाँ पे बांट रहे हैं हम लोग, और अभी आगे रेलवे स्टेशन भी जाएंगे। और हमने कम से कम 1500 मास्क वितरित भी कर दिए। चिकित्सक और स्क्रीनिंग टीम लगातार कर रही है जांच, बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन के निर्देश, घरों के बाहर चस्पा किया जा रहे हैं नोटिस। कोरोना वायरस जैसी महामारी को देश से जल्दी खत्म करने के लिए मेडिकल की टीम लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में लगातार अजमेर के जगह जगह इलाकों में चिकित्सक और मेडिकल की टीम लगातार स्क्रीनिंग कर रही है। आज डॉक्टर आरसी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सदगुरु कॉलोनी में 2 हस्बैंड वाइफ दिल्ली से आए थे, इसलिए आज उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए वे वहां पर पहुंचे और उन्हें 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए। उनके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया। जो भी लोग बाहर से आए हैं उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं और उन्हें घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। हमने पूरी जनता को भी ये जागरूक कर रहे हैं मोहल्लों में जाके कि आपके पड़ोस में कोई भी, जैसे अजमेर जिले से बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है किसी भी जिले से, तो हमें तुरंत सूचना करें ताकि हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करके उन्हें पूरी सब चीज़ों की समझाइश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की, और किस तरह से उनको रहना है, किस तरह आइसोलेशन में रहना है, कब क्वारंटीन में रहना है, कब आइसोलेशन में रहना है, ताकि हम उनको समझाएं। और उनके घर के बाहर हम कोविड का जो नोटिस चस्पा करके जाएंगे। हमने पूरी जनता से अपील यही कर रहे हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों से भी यही कह रहे हैं कि आपके आसपास में कोई भी अजमेर ज़िले से बाहर, चाहे वो फॉरेन से है, चाहे अदर स्टेट से, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट से, जो भी कोई व्यक्ति आ रहा है उसकी हमें सूचना करें ताकि हम उनकी स्क्रीनिंग करके उनको आइसोलेट करने की कोशिश करें ताकि ये बीमारी को रोका जा सके। हाँ सर बताइए, किस तरह से, किस इलाके के अंदर आपने अभी कोविड-19 किया हुआ? मैं अभी सदगुरु कॉलोनी में हूँ। यहाँ पे मेरे पास सूचना आई थी कि एक दो महिला और एक पुरुष यहाँ आए हुए हैं, ये दिल्ली जाके आए हुए हैं। तो जैसे ही मेरे को तुरंत सूचना मिली मैं यहाँ के आ गया। इनके कोई क्वारंटी, मैंने इनको देखा है, इनकी स्क्रीनिंग करी है, इनसे पूछा है भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, इनकी जांच करी है, और इनको मैंने होम आइसोलेशन के लिए, क्वारंटीन के लिए इनको बोला है कि आप 28 दिन तक अंदर घर में रहें, पूरे मास्क पहन के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोएं। इनको पूरा कुछ समझा के इनके हाथ पे स्टैंपिंग की भाई कितने दिन इनको अलग रहना है, प्लस हमने इनके बाहर कोविड-19 का एक नोटिस भी चस्पा किया है ताकि ये बाहर नहीं जाए, ना इनके घर पर कोई विजिट करे। देसी शराब की दुकान में चोरी, लॉकडाउन के बीच बंद थी शराब की दुकान, पुलिस ने किया मौका मुआयना। राजस्थान में लॉकडाउन होने के बाद देसी शराब, अंग्रेजी शराब की सभी दुकानें पूरी तरह बंद है। इसी बीच पर्वतपुरा बाईपास के पास एक देसी शराब की दुकान में चोरी हो गई है। दरअसल शराब विक्रेता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 23 तारीख के बाद उनकी दुकान बंद पड़ी है और आबकारी विभाग द्वारा शहर की सभी अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों को सील किया जा रहा है। और आज जब आबकारी विभाग के कांस्टेबल और टीम दुकान को सील करने के लिए पहुंची तभी उन्होंने देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए पड़े हैं, जिसके बाद उन्होंने शराब विक्रेता राजेंद्र शर्मा को उसकी जानकारी दी। राजेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले। उन्होंने शटर ऊपर करके देखा तो दुकान में पड़ा करीब 1 लाख का माल, 60 से 65 देसी शराब की पेटी गायब मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पर्वतपुरा बाईपास पर चंडाल पेट्रोल पंप के पास मेरी देसी शराब की दुकान है, वार्ड नंबर नगर निगम वार्ड नंबर 2627 देसी मदिरा समूह का मैं ठेकेदार हूँ, राजेंद्र शर्मा। तो ये 21 तारीख को शाम को दुकान बंद हुई थी, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था प्रधानमंत्री जी द्वारा,
तो उस दिन पूरा दिन दुकान बंद रही। 23 तारीख को हमारे पास कोई आदेश नहीं था, सुबह जैसे ही सेल्समैन दुकान पर आया तो पुलिस ने आकर दुकान बंद करा दी आधा पौन घंटे में। उसके बाद से हम दुकान पर आए नहीं, ताला वाला लगा के चले गए, उसके बाद से हम दुकान पर आए नहीं, आना मना था हमारे। तो उसके बाद फिर वो एक्साइज वाला फ़ोन आया था, तो वो यहाँ इस पर स्लिप वगैरह लगा के गए थे 31 तारीख को शायद। हमने स्टॉक की सारी रिपोर्ट भी, जो हमारा बैलेंस स्टॉक था वो भी हमारे सीआई साहब संपत जी को दे दिया था। आज अभी करीब 1:15 के आसपास मोहन सिंह जी कांस्टेबल हैं जो आबकारी के अंदर हैं भाई, गार्ड हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था घर पे कि बोला हम आपकी दुकान को सील करने आए हैं और आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। तो उनको जब उनका फ़ोन आया तब मैं फिर घर से उसी समय मैंने आदेश सी आई साहब धर्मवीर जी को फ़ोन किया, तो साहब ने कहा आप पहुँचो दुकान पर, चल के देखो क्या पोजीशन है और मैं आ ही रहा हूँ। उसके बाद साहब भी आ गए थे, मोहन सिंह जी यहीं से दुकान खोल के देखा तो करीबन लगभग 60 से 65 पेटी देसी शराब की गायब थी। कितने की होगी? ये शराब करीब 1 लाख के आसपास शराब है, इसमें विशेषकर नीला घूमर प्लास्टिक जो होता है उसकी पेटियां यहाँ से ज़्यादा चोरी हुई हैं। तो ये किस और, काम में आ रहा है? ये सैनिटाइजर बनाने में भी? नहीं, सैनिटाइजर में तो नहीं आता, ये तो पीने के काम ही आता देसी शराब की। अच्छा, एक बात आ रहा है सर, पूरे इंडिया में बंद था। हाँ, लॉकडाउन कोरोना वायरस। जी जी जी। अजमेर भी बंद है। अब हमें तो कुछ पता नहीं है, हमारे तो किसी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दे रहे, हमें तो परमिशन ही नहीं है। सेल्समैन भी एक दिन दवाई लेने चौराहे पे आया था, जब भी पुलिस ने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया था और वो बंद है अभी गाड़ी। और हमारे क्या मानते हो, इतनी पुलिस की सख्ती है, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा, आपका चौराहा बिल्कुल पास है, वहाँ पर भी पूरा बैरिक लगा रखा है, चेकिंग हो रही है। अब ये आम आदमी इस चीज़ को क्या जाने, क्या क्या कर सकते हैं। हम तो जब ऑलरेडी ये पता था भाई लॉकडाउन है, दुकानें सील है, आम आदमी कोई निकल नहीं रहा, तो कोई उम्मीद ही नहीं होती इस तरीके की चोरी हो रही होने की। चोरी हो रही है, कहीं तो कहीं कमी नजर आ रही है ना सर? हाँ, वो तो कुछ ना कुछ है ही है। अभी साहब भी आए थे, कैमरे लगाओ कहने लगे, और अब दुकान मेरी देसी की यहाँ 4 हैं, छोटी छोटी दुकान है, सब पे कैमरा संभव ही नहीं है। अच्छा, दूसरी दूरी पर पुलिस वाले बैठे हैं आपके यहाँ, आने जाने किसी सब तो प्रतिबंध है। और बिल्कुल, और दूसरी बात क्या है कि कोई गाड़ी ला के ही ये माल लेके गया है, मतलब कोई 4-व्हीलर ला के उसमें पिकअप वगैरह लेके आया है, वैसे तो ये कुछ जा नहीं सकता माल। लॉकडाउन के बीच छोटे दुकानदारों को आ रही है परेशानी, उठाना पड़ रहा है ज्यादा मात्रा में माल। लॉकडाउन के बीच केवल घर में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि दुकान पर बैठकर दुकान चलाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी आ रही है। आज लिंक रोड के पास एक छोटी किराना की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने अपनी पीड़ा बताई। माहेश्वरी जनरल स्टोर के दुकान मालिक का कहना है कि जहां से वे माल उठाते हैं, अब उनका कहना है कि अगर आप कार्टून के कार्टून लेते हैं तो ही आपको माल दे सकेंगे। अब दुकानदारों का कहना है कि छोटी सी दुकान में वे कम माल रखते हैं और ज्यादा माल रखेंगे तो एक्सपायरी की झंझट है, इसलिए लॉकडाउन के बीच उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम खड़े हैं लिंक रोड के आसपास, जो नेसेसरी FMCG आइटम्स की दुकानें हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, उन लोगों से बात करने के लिए कि कहाँ खड़े हैं। और मोटे तौर पे जो चीज़ देखी जा रही है वो यह है कि लॉकडाउन की वजह से एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई बहुत हैम्पर्ड है, मतलब प्रॉपर खाद्य सामग्री अजमेर के अंदर आ नहीं पा रही है, आ रही है तो जो बड़े होलसेलर्स हैं वो मजबूर कर रहे हैं छोटे दुकानदारों को डबल स्टॉक उठाने के लिए, जबकि छोटे छोटे दुकानदारों को रोज़ कमाना, रोज़ छोटी छोटी परचेस करके, छोटी सेल करके, मतलब जिस तरह से रेगुलर अपना व्यवसाय करने का उनका मानस रहता है उस हिसाब से उनका काम छोटी पूंजी का है, ऐसी पूंजी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। आइए, ऐसे ही एक दुकान पे खड़े हैं हम, आइए बात करते हैं, देखिए वो बताएंगे अपनी समस्या क्या है। हाँ सर, लॉकडाउन को लेकर आपको किस तरह की मतलब समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सेल्स पेपर तो वैसे कुछ ही नहीं है, पर बाकी ये बड़े व्यापारी हैं, ये परेशान कर रहे हैं कि ये एक एक कार्टून लो आप, पहले तो हर चीज़ किसी भी लो कार्टून लो, एक एक जैसे एक एक कार्टून से मतलब एक एक कार्टून में जैसे 80 पीस का है, कोई 60 पीस का है या 70 पीस का है, वो कार्टून लो। पहले आप कम पहले हमारे हिसाब से लेते थे, एक एक थैली, दो दो थैली लेके हमारा काम चलाते थे, पर अब ये इन्होंने कर दिया कार्टून पे, और इसमें लागत भी लग रही है और रिटर्न नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये है कि एक्सपायरी का डर रहेगा भाई, 2 महीने भाई, 1 महीने बाद में जब ये खुलेगा, 1.5 महीने बाद खुलेगा, तो फिर वो डेट के हिसाब से फिर दिक्कत आएगी हमारे को बेचने लागत, में लागत के लिहाज से कितना फर्क पड़ रहा है, मतलब लागत के हिसाब से 4 गुना फर्क पड़ रहा है, मतलब 4 गुना लागत लग रही है, 4 गुना लागत लग रही है। एक कार्टून 600 रुपये का लगभग पड़ रहा है एवरेज, 600 रुपये का एक कार्टून मान के चलो आप, तो 4 कार्टून 5 कार्टून लो तो 5,000 रुपये चाहिए कम से कम।
अच्छा, और सेल की जहाँ तक बात है, वो सेल तो है मगर पर सेल इतनी भी नहीं है ना जितनी एक कार्टून ले लेके काम चलाए। अब किसी चीज़ का पार्ले जी है या मोना को है या किसी कोई भी चीज़ की बिस्किट की ले रहे हैं तो एक एक कार्टून ले नहीं सकते ना, और ये कर नहीं रहे, ये तो सब कार्टून दे रहे हैं हम तो पूरा। मतलब आप देखिए, ये बड़ी बात है कि जो मीडियोकर लेवल के और मीडियम लेवल के जो दुकानदार हैं जिनका काम है रोज़ सेल करना, रोज़ बेचना, रोज़ खरीदना, उनके लिए यह समस्या हो गई है कि पहली बात तो लागत चार गुना हो चुकी है, और उस चार गुना लागत के चलते भी अगर आप देखें तो स्टोरेज की प्रॉब्लम है और काफ़ी हद तक समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिस मुल्क में 70% लोग आज भी रोज़ कमा कर रोज़ खाते हैं। उस ऐसे मुल्क में लॉकडाउन का मतलब सिर्फ लॉकडाउन नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य रक्षा के को मद्देनज़र लॉकडाउन नहीं है, यह लॉकडाउन आर्थिक स्थितियों में किस तरह का प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन यश बाग के साथ नरेश रागानी, होराइजन इन न्यूज़ के लिए। देवनानी ने कहा, दिए मोमबत्ती जलाने को लेकर ना फैलाएं भ्रांतियां, कोरोना वायरस से जंग के प्रति दिखाएं एकता। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर घोषित 21 दिन के लॉकडाउन में लोगों की हौसला अफजाई और सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल रविवार को रात 9:09 के लिए घरों की बिजली बंद कर दिए जलाने की अपील की है। लोग मोमबत्ती और मोबाइल फोन टॉर्च से भी रोशनी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के विपरीत सोशल मीडिया पर अनेक भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कोई कह रहा है कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए 5 अप्रैल को घर घर रोशनी करवाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज चैनलों पर कहा जा रहा है कि यदि देश भर के लोग एक साथ बिजली बंद कर देंगे तो सप्लाई का विद्युत तंत्र बिगड़ जाएगा। चूंकि बिजली का उत्पादन लगातार होता है और बिजली को स्टोर करके भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए बिजली की सप्लाई और उपभोग लगातार होनी चाहिए। अफवाह में कहा जा रहा है कि 9 मिनट के लिए बिजली बंद कर देने से पावर प्लांटों तक तकनीकी खराबी हो जाएगी। इस संबंध में बिजली तंत्र से जुड़े कई इंजीनियर का कहना है कि ऐसा कई बार होता है तब भी प्लांटों को सुरक्षित रखा जाता है। वैसे भी इन दिनों लॉकडाउन की वजह से उद्योग और फुटकर दुकानें देश भर बंद है। बिजली खपत 25% रह जाने के बाद प्लांटों को सुचारू बनाए रखा गया है। अब यदि 9 मिनट के लिए देश में बिजली बंद भी हो जाएगी तो सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात के समय तो अधिकांश घरों में बिजली बंद रहती है। वैसे भी प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले ही लोगों को बता दिया था कि ऐसे में पावर प्लांट संचालित करने वाली कंपनियों ने अपने सिस्टम को तैयार कर लिया है। बिजली बंद होने से सिस्टम पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा, ऐसी खबरें पूरी तरह झूठी। सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसी झूठी खबरें चला रहे हैं उनके विरुद्ध प्रशासन को IT एक्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का आह्वान देश का आह्वान है, कोई भी व्यक्ति देश के आह्वान को लेकर अफवाह न फैलाए, ऐसा कहना है देवनानी का। हम प्रधानमंत्री के आह्वान की स्वच्छ आलोचना तो कर सकते हैं लेकिन भ्रम नहीं फैला सकते। के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज जनता से जो अपील की है कि वे रात्रि को 9:09 के लिए अपनी लाइटें बंद करके और दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च या अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उसको जलाएं। इससे ये जो अफवाह चल रही है कि इससे बिजली उत्पादन पे ठप हो जाएगी, ये कोरी अफवाह है। केवल लाइटें बंद करने के लिए कहा है, बाकी लाइट के जितने संचालित उपकरण हैं उसके बंद के लिए कभी उन्होंने आह्वान नहीं किया, वो चलते रहेंगे। उससे किसी प्रकार का इन पे फर्क उत्पादन पे या उपकरणों पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लोग केवल अफवाह फैला रहे हैं और इसके लिए माननीय मोदी जी ने आह्वान किया, वो इसलिए किया कि हम सब लोग माँ भारती के चरणों में अपनी एकजुटता दिखा सकें, ताकि इसके लिए जो सफाई कर्मी हैं, इसके चिकित्सा कर्मी हैं, पुलिस के जवान हैं, जो रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनके साथ एकजुटता के साथ हम खड़े हैं, उनका संबल बढ़े और ताकि सबके अंदर आत्मविश्वास जगे कि कोरोना भागेगा, हिंदुस्तान भारत जीतेगा। गलत वाहन पर परमिशन का नोटिस लगाने पर हुई कार्रवाई, परमिशन लेटर और गाड़ी के वाहन नंबर मिले अलग अलग। दरअसल लोगों के बीच जो समाज सेवा कर रहे हैं या फिर लोगों तक सामान पहुंचा रहे हैं उन सभी को प्रशासन द्वारा एक परमिशन लेटर दिया जा रहा है। उस लेटर को समाज सेवियों या फिर जिसे परमिशन है उन्हें हर समय अपने साथ रखना होगा और हर एक नाकाबंदी पॉइंट पर उसे दिखाना होगा। लेकिन आज पुलिस ने एक वाहन को रोका, उसका जब परमिशन लेटर देखा तो उस परमिशन लेटर में गाड़ी का नंबर कुछ और था और गाड़ी पर नंबर कुछ और।
और वाहन चालक का कहना है कि यह रसद विभाग का सामान है, जिसके बाद पुलिस ने रसद विभाग को भी इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी रसद विभाग का सामान ही लेकर आ रही है, लेकिन परमिशन लेटर पर दूसरा नंबर होने पर और गाड़ी का दूसरा नंबर होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि जो परमिशन लेटर आपके पास है उसको उसी नंबर की गाड़ी का उपयोग करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। ये एक वैन है जिसको रुकवाया हमने और इसके नंबर है RJ01UB0112। ये वैन गाड़ी जो इस पर एक परमिशन लगा रखी है, उस परमिशन में दूसरी गाड़ी के नंबर है और इसमें ये बता रहे हैं रसद विभाग का जो रसद की सामग्री है, रसद विभाग से परमिशन ले रखी बताते हैं और इसमें सामान भर रखा है, लेकिन वो रसद विभाग की जो परमिशन ले रखी है वो दूसरे वाहन की है और उस वाहन की जो परमिशन है वो इस RJ01UB0112 पे लगा रखी है, जो इन्होंने गलत लगा रखी है और इस पर हम जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सर ऐसे ले जा सकते बिना दूसरी परमिशन लेगा दूसरी गाड़ी पे ले जा सकते सामान? बिल्कुल कानून के खिलाफ है ये और ये एक तरह से जो है पुलिस विभाग को ये जो जहाँ जहाँ जाब्ता लगा हुआ है उन सबको ये एक तरह से गच्चा देता आ रहा है। तो किस तरह की कार्रवाई की गई इसमें? अब इसके कागजात चेक कर रहे हैं और DSO विभाग का भी फोन आया है, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन हमारी राशन सामग्री है जो इसके लिए परमिशन दे रखी है, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये परमिशन जो दे रखी है आपने दूसरे वाहन की दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है, इन्होंने गलत वाहन पे लगा करके इसका उपयोग करें जो एक तरह से जो है नियमों के विरुद्ध है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे सामान? पर राशन सरकारी था या दुकान पर सुनी का था? सरकारी राशन सामग्री जो है ये परिवहन कर रहे हैं, लेकिन ये व्हीकल दूसरा है, जिसकी परमिशन है वो व्हीकल नहीं है और दूसरा व्हीकल काम में ले रहे हैं, दूसरे जिस व्हीकल की परमिशन है उसकी परमिशन इस वाहन पे 112 पे लगा रखी है। आपका अमर सिंह। युवाओं ने पुलिस कर्मियों को पिलाया जूस, लोगों से भी की अपील। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस, अब तक देश में 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसको देखते हुए भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस 24 घंटे दिन रात लगी हुई है। इसलिए आज अजमेर के कुछ युवाओं ने तपती धूप में पुलिस तक ठंडा जूस पहुंचाया। कुणाल धवन ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीब तबके के लोगों तक, मजदूरों तक कई सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन खाने पीने का सूखी सामग्री पहुंचा रही है, लेकिन वह लोग जो तपती धूप में लोगों की सेवा के लिए सड़कों पर दिन रात खड़े हैं उनकी और भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज उनकी टीम ने हर एक नाकाबंदी पॉइंट पर जाकर पुलिस कर्मियों को जूस पिलाया और लोगों से भी ये अपील की कि अगर आपके घर के आसपास पुलिस जाब्ता तैनात है तो उन तक चाय या जूस पहुंचाएं, क्योंकि वह हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, इसलिए हमें भी आगे बढ़कर उनकी सेवा करनी चाहिए। कुणाल धवर के साथ आशीष बाग, यश बाग और दिलजीत बाग ने भी उनका सहयोग किया। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है। आज हमने तीन चार जो जनों ने मिलकर, हम तीनों चारों युवाओं ने मिलकर के एक छोटा सा इनिशिएटिव उठाया है इस कोरोना COVID-19 के बीच के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर महामारी छाई हुई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बीमारी को लेकर के, तो कई जो अपने सामाजिक संगठन हैं ये लोग अच्छे से सेवा कर रहे हैं गरीबों की और इन लोगों को राशन दे रहे हैं, सब्जियाँ दे रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और ऐसा देना भी चाहिए। बट एक छोटी सी नज़र कल परसों में हमारी पड़ी कि धूप तेज़ बढ़ रही है और जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, जो पुलिस महकमे के जितने भी कर्मचारी हैं जो कि चारों तरफ पहरेदारी कर रहे हैं और धूप में बैठे हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपा करके घर के बाहर ना निकलें, तो हम लोगों ने आज ये इनिशिएटिव उठाया कि उनको दिन की धूप में एक जूस का ग्लास हम लोगों ने उनको पिलाने का सोचा है और पिलाया है। तो मेरी यही अपील है पूरे अजमेर के वासियों से कि जहाँ भी आपको, अगर आपके घर के आसपास भी कहीं पुलिस की गश्त लग रही है या पुलिस का कोई नाकाबंदी हो रही है, तो उन्हें अगर चाय की, पानी की या कोई नाश्ते की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ उनकी मदद करें और उन सबका ध्यान रखें, क्योंकि वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, जो हमारा ध्यान रखता है हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। पुतला बनाकर लोगों को घरों में रहने की अपील। 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास युवक ने लगाया गली में पुतला। अजमेर वैसे प्रसिद्ध है जहां पर पुतले बनते हैं सबसे ज्यादा जलने के लिए, लेकिन इस बार पुतला बनाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। देश में कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन कर रखा है। अजमेर में 4 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन लोग घरों से बाहर किसी न किसी बहाने से घूम रहे हैं। इसी को देखते हुए 9 नंबर निवासी अजय कुमार के मन में ये जज्बा जागा। अजय कुमार ने लोगों को घरों में रहने के लिए 9 नंबर गली में एक पुतला बनाया जो लोगों को जागरूक करेगा। अजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोग किसी न किसी बहाने से घर से बाहर घूम रहे हैं, इसी को देखते हुए उनके मन में ये विचार आया, इसलिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए इस पुतले को अपनी गली में लगाया। कौन सी जगह क्या आपने सोचते ही लगाया था? भैया, लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये लगाया, लोग जागरूक हो। इससे क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसे आप संदेश देना चाहते हैं? सर, इसमें ये लिख के रख रखा हमने कि अगर मैं मेरी माँ के पेट में 9 महीने रह सकता हूँ तो क्या आप 21 दिन धरती माँ के लिए घर में नहीं रह सकते? ये संदेश हमने इसमें
बोर्ड लिख के लगा रखा है कि लोग संजय और सावधानी बरसे। क्या बनाया आपने? सर ये पुतला बनाया हमने। कितने दिन में बनाया था आपने और क्या इसमें सोल्यूशन दिए हुए हैं आप ये बताइए। सर ये 3 दिन में पुतला बनाया गया है यहाँ पर और सोल्यूशन है सबको इसलिए दे रहा है कि जागरूक रहे लोग बिल्कुल कि लोग घर से नहीं निकले, जरूरी जब काम हो तो ही निकले। और मीडिया वालों को भी धन्यवाद बोलता हूँ कि ऐसी महामारी बीमारी हो रही तब भी मीडिया वाले जगह जगह जाकर ऐसे सूचना लोगों तक पहुँचा रहे कि लोग मेहनत करके लोगों को जागरूक करने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम बताएं। सर अजय कुमार साधनिया। ये तो कौन सा एरिया है? महामारी के बीच जारी है सामाजिक संस्थाओं का सरोकार। सामाजिक संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में किया खाद्य सामग्री का वितरण। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से भारत के योद्धाओं की जंग जारी है। मजदूर गरीब तबके के लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं लगी हुई है और लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास जारी है। ऐसे में आज समाज सेवी ब्रिजेश माथुर और उनकी टीम गणेश कुआड़ी में गरीब तबके के लोगों को 7 दिन का राशन सामग्री देने पहुंची, जहां पर समाज सेवी संदीप माथुर ने बताया कि यहां हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन का सामान दे रहे हैं ताकि वह घरों से बाहर न निकले और उनको घरों में ही सामान मिल जाए और महामारी के बीच किसी तरह की परेशानी न आए। ब्रिजेश माथुर, निखिल माथुर और गौरव द्वारा उनका इस कार्य में सहयोग किया गया। आज हमने पंचशील के अंदर जो हमारा कायस समाज है वो लगभग पिछले 7-8 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है उसी क्रम में हर जगह जाके जो जरूरतमंद है वहाँ पे राशन वितरण व्यवस्था की जा रही है। ब्रिजेश माथुर, निखिल जी, गौरव जी, इनके साथ आज हम इकट्ठे होकर पंचशील में स्थित जो गणेश गवाड़ी है वहाँ पर राशन सामग्री का वितरण करने आए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि लगभग 7-7 दिन की पर्याप्त राशन सामग्री जो जरूरतमंद परिवार हैं उन तक पहुँचाई जाए। इसका उद्देश्य यह है कि 7 दिन की सामग्री अगर अपन एक साथ देते हैं तो बार बार उस परिवार को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हमारा ये प्रयास है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको 7 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए और इसी क्रम में जो शुरुआत करी है तो ब्रिजेश माथुर, आप, निखिल माथुर, गौरव और हमारे पंचशील के लगभग सभी समाज के जो परिवार लोग हैं वो किसी न किसी रूप में अपना अंशदान इस अच्छे कार्य में कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जितने भी परिवार के यहाँ पर लोग हैं जरूरतमंद हैं हम उन सबको राशन सामग्री समय पर उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही शुभम शर्मा ने अपने क्षेत्र में गरीब तबके के लोगों में खाद्य सामग्री का वितरण किया। इसमें उन्होंने बताया कि करीब 50 लोगों का आज खाद्य सामग्री का वितरण किया गया और लॉकडाउन के बीच सामाजिक सरोकार जारी है। आज हमारी जो आसपास का जो क्षेत्र है, बस्तियां हैं, वहां कच्चे राशन की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। किसी न किसी प्रकार से अगर किसी के घर तक नहीं पहुँच पा रहा है, सरकार के प्रयासों से नहीं पहुँच पाया या कोई अगर रह गया तो हमने सरकार के सहयोग के लिए ये राशन की सामग्री उन तक पहुँचाई है और इसमें आटा है, दाल है, चावल है, सूजी है। ये कार्यक्रम है हमारा जो आसपास की लगभग जितनी भी बस्तियां हैं 300-350 करीब परिवार हैं उन तक राशन पहुंचाने का हमारा ये संकल्प है। कितने जनों को वितरण किया आज? हमने लगभग अभी तक 50 लोगों को वितरण कर दिया है। कल हमने 100-150 परिवारों को संकल्प के अनुसार वितरित कर दिया था और आगामी दिन में भी हम करेंगे। शहरवासियों को क्या अपील? शहरवासियों से अपील है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास के क्षेत्र का ध्यान रखें। शुभम शर्मा, अजमेर। समाज सेवी लाल ने बताया कि उनके द्वारा भोजन तैयार कर गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब मजदूर भूखा न सोए। उन्होंने बताया कि बजरंगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भोजन का वितरण किया गया। कितने जने आदमी यहाँ पे खाना बनाते हैं? मेन ग्रुप के अंदर जो खाना बनाने वाले हैं 10-12 मेंबर हैं और बाकी हमारी पूरी कॉलोनी भारत नगर फर्स्ट लगी रही है। लेडीज हमारे सब हमारे साथ के अंदर है। आपके पास सूचना कहाँ से आती है? कैसे आप चाय देने जाते हो जब आपको पता चलता है? नहीं, हमको तो फोन आता है सर। अच्छा, फोन आता है तो हम फोन से फिर लोकेशन पता कर लेते हैं कि हम आप किस जगह हैं तो वहाँ से उसके हिसाब से फिर हम पहुँच जाते हैं। और वैसे भी हम हमारी कोशिश यही थी कि जैसे मेन जगह होती है जैसे बजरंगा चौराहा है, विक्टोरिया है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, गवर्नमेंट कॉलेज के उधर करीब करीब ज़्यादा मजदूर आदमी वहीं रहते हैं जिनके पास खाना टाइम से नहीं पहुँच पा रहा है। और चाय और नाश्ता दोनों? चाय नाश्ता शाम के टाइम में पहुँचाते हैं, खाना शाम को पूरा कम्प्लीट। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में हुआ सैनिटाइजेशन निगम सेना का लगातार जारी है सैनिटाइजेशन। सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का किया जा रहा है छिड़काव। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस जैसी महामारी से अजमेर के क्षेत्रवासियों को सुरक्षित रखने के लिए निगम सेना लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से हर एक क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी बीच आज सैनिटाइजेशन की गाड़ी कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र डिग्गी चौक, नवाब का बेड़ा, ट्रांबे स्टेशन के आसपास सैनिटाइज करने पहुंची। इस मौके पर क्षेत्र के पार्षद भरत धोलकेड़िया उपस्थित रहे। लॉकडाउन चल रहा है आज आपके वार्ड में 13 में क्या सैनिटाइजर हुआ, कहाँ का इलाके में हुआ? आज वार्ड नंबर 13 डिग्गी चौक, ये नवाब के बेड़ा ट्रांबे तक ये सैनिटाइज किया गया है कोरोना महामारी के कारण। क्या अपील कहना चाहते हैं शहरवासियों से? शहरवासियों से अधिक से अधिक मतलब वो सामाजिक दूरी बनाए रखे,
ताकि जल्द से जल्द अपन इस बीमारी से मतलब मुक्ति मिले और आपसी सामंजस्य बनाए रखें, ज़्यादा इकट्ठे नहीं हों, सामाजिक दूरी बनाए रखें। आपका नाम? भारत दोलखेड़िया, पार्षद वार्ड 13। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।